Hi, I'm Rasmi. Welcome back to our channel Cholathara Tutorial. In this video, we'll discuss about class 9 English, the Missile Man of India. Tara question answer ame thare discussion kariba. Only comprehensive question. So, the Missile Man of India mane Bharatara Khepanastra Manava. To Bharatara Khepanastra Manava kiye thile au se kon karithile? Ta upar ta topic ta padithibe. तो सेटार क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कशन करवा तो चलत डिस्कशन करवा वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना तेल प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन टी दबे दिखाँ जहाद्वारा कि आपड़ आम अपलोड होता वीडियोर सविशेष बरणी पाइपर एवं आपड़ फास्ट भिडटी देखिपर तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन हू वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए सेटा तो आम प्रथम आगुरी जाणीचे तो एठी किंतु मिसाइल मान क्षेपणास्त्र मानव हिसाब से जहाँ अच्छे से विषय ही आम जानवा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम किए थे ना से जे साइंटिस्ट थे आमर 11तम 11तम प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति थिले से आमर इंडिया रा से पॉपुलरली मान लोकप्रिय हिसाब से कौ नाम जनाशुना द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्षेपणास्त्र मानव हिसाब से जनाशुना व्हाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो समस्त को किसी ना कि उपाधि दिया जमी कि आमर गोपबंधु को उत्कल मणि आख्या दि जाए ठीक सेमती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहीं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहगला डॉक्टर कलाम वाज क्लोजली involved in India's civilian space program and military missile development efforts. Dr. Kalam was closely involved in India's civilization space program and military missile development efforts. So he is known as the missile man of India. माने इंडिया रो जो civilization space program and military missile development effort थिला सेतरे से बहुत closely जड़ित थिले माने बहुत ओतप्रोत भाव में जड़ित थिले तो से मिसाइल मैन कहगला क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी व्हेयर वाज ही बॉर्न व्हेन से केउठारे आ केबे जन्मग्रहण करथिले डॉक्टर कलाम वाज बॉर्न इन तमिल मुस्लिम फैमिली आट रामेश्वरम इन तमिलनाडु तमिल रोगड़ मुस्लिम फैमिली रे से जन्मग्रहण करथिले से तमिलनाडु रोगड़ रामेश्वरम थारे गोटे मुस्लिम फैमिली रे से जन्मग्रहण करथिले ऑन 15th अक्टोबर 1931 अक्टोबर 15 तारीख से जन्मग्रहण करते हु वेयर हिज फैमिली मेम्बर्स फैमिली मेम्बर किए थे हिज फैमिली मेम्बर्स वेयर हिज फादर जैनुलाबुद्दीन मदर असीमा थ्री एल्डर ब्रदर्स एंड एन एल्डर सिस्टर फैमिली रे किए किए रोते बापा जैनुलाबुद्दीन तो एपीजे रो फुल फॉर्म भी अच्छी अबुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम तो सही बापा ना से जड़ित थिला ना फुल फॉर्म रे बापा ना से रोच जैनुलाबुद्दीन मदर होंगे असीमा थ्री एल्डर ब्रदर्स एंड एन एल्डर सिस्टर तीन जन बड़ भाई थे गोटे बड़ भौणी थी हु वेयर हिज फादर एंड मदर तर बापा माँ का नाम कौन थी पितामाता किए थे हिज फादर जैनुलाबुद्दीन वाज ए बोट ओनर एंड द इमाम ऑफ ए लोकल मस्क्यू हिज मदर असीमा वाज एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ तर बापा कौन थे ना गोटे बोट ओनर थे आउ मस्क्यू मान मस्जिद से इमाम भी थे आर माँ जड़े घर स्त्री लोक थे नंबर 6 अच्छी व्हाट वाज हिज मदर माँ कौन करते हिज मदर असीमा वाज सिंपली ए हाउस वाइफ एंड ए डिवोशनल लेडी माने जने धार्मिक महिला थिले आउ से जने घर स्त्री लोक थिले हाउस वाइफ थिले से किसी एमती प्रोफेशनली से किसी काम करनो थिले हाउ डिड हिज फादर अर्न हिज लिविंग माने बापा कौन रोजगार करुथिले परिवार लालन पालन करने मैंने पर पोषापी से कौ कार्य करुले हिज फादर ओन ए फेरी दैट टुक हिंदू पिलग्रिम्स फ्रॉम रामेश्वरम टू धनुष्कुदी एंड बैक
he earned his living by this small business. तांके बापा कौन कोटले? His father owned a ferry that took Hindu pilgrims from Rameswaram to Dhanskuri and back. He earned his living by this small business. माने से गोटे जत्रीवाही डंगार गोटे ओनर थिले आउ से कौन करते रामेश्वरम रु धनुषकोड़ी पर्यंत जात्री मानक नहीं पहुँचे आउ से जहाँ इनकम करते परिवार पोषुले। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ क्वेश्चन नंबर 8 वेयर कलाम्स आनसेस्टर्स रिच और पुअर हाउ डू यू नो इट माने कलाम पूर्वपुरुष धनी थे ना गरीब थे आम से केमी जानुच तो तार आंसर हूँ कौन डॉक्टर कलाम्स आनसेस्टर वे आर रिच ट्रेडर्स एंड लैंड ओनर्स बहुत मानने बड़ व्यवसायी थे जमीदार भी थे अनलकिली इन कोर्स ऑफ टाइम दे लॉस्ट दे आर वास्ट प्रॉपर्टीज इवन दे आर आनसेस्ट्रल हाउस एंड फेल ऑन हार्ड टाइम्स मानने दुर्भाग्यवशत से सब संपत्ति हरदे आने जो घर रोते से घरटा हरदे जहाद्वारा मानने फेल गोटे खराब सिचुएसन र से मानक शिकार होगा पड़ा। नंबर 9 अच्छी हाउ डिड ही आर्ड टू हिज फैमिली माने से केमी परिवार को सहयोग करते इन हिज चाइल्डहुड डेज ही फेस्ड माइजरी ऑफ लाइफ ही हैड टू सेल न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम माने से छोट पिला थिले पिला माने शिशु अवस्था रे से बहुत सारा अभाव सम्मुखीन होते बहुत सारा प्रॉब्लम को से फेस करते मैंने फाइनेंशियली जो कि से न्यूज़ पेपर बिकुले ही हैड टू सेल न्यूज़ पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिली इनकम मैंने परिवार रे रोजगार को टिके सपोर्ट पाइबा पाई मैंने आर्थिक सहयोग करने पर न्यूज़ पेपर बिकुले। व्हाट इज द थर्ड पाराग्राफ अबाउट थर्ड पाराग्राफ्टा कौन कौन द थर्ड पाराग्राफ इज अबाउट कलाम्स एजुकेशन इन हिज चाइल्डहुड डेज इट वाज ऑल्सो डेल्ट विथ हिज लविंग एंड अफेक्शनेट साइंस टीचर शिव सुब्रमण्या आयर। सो से थर्ड पाराग्राफ रे कौन अच्छी ना द थर्ड पाराग्राफ इज अबाउट कलाम्स एजुकेशन इन हिज चाइल्डहुड मैंने पिलादिने शिक्षा को लेकिन थर्ड पाराग्राफ रे अच्छी इट वाज ऑल्सो डेल्ट विथ हिज लविंग एंड अफेक्शनेट साइंस टीचर आठ कौट कौन अच्छी ना कलाम साइंस टीचर जी थे शिव सुब्रमण्य आयर तक विषय में के सारा स्नेह प्रति कलाम प्रति साइंस टीचर के मात्रा भल पाइबा ताकि वर्णित व्हेयर डिड ही गेट हिज प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन मान प्रारंभिक शिक्षा से क्योंठार से ग्रहण करते शिक्षा प्राप्त करते डॉक्टर कलाम गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन एट रामनाथपुरम डॉक्टर कलाम प्राइमरी एजुकेशन कौटी पाई ना रामनाथपुरम पाइले हु वाज हिज साइंस टीचर साइंस टीचर किए थे मिस्टर शिव सुब्रमण्य आयर वाज हिज साइंस टीचर व्हेन कलाम वाज इन द प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल पढ़ुते साइंस टीचर किए थे मिस्टर सुब्रमण्य आयर। व्हाट वाज ही लाइक से कौन मैंने कौन पसंद करते से कौ टाइप थे द साइंस टीचर ऑफ द स्कूल वाज लविंग एंड अफेक्शनेट टू कलाम आज ही वाज ए कमिटेड टीचर हिज इंस्पिरेशन मेड हिम ग्रेट द साइंस टीचर ऑफ द स्कूल वाज लविंग एंड अफेक्शनेट टू कलाम मैंने से स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थी से प्राइमरी स्कूल जी साइंस टीचर थे से बहुत स्नेही थे कलाम प्रति आज ही वाज ए कमिटेड टीचर हिज इंस्पिरेशन मेड हिम ग्रेट तंकर से जो इंस्पिरेशन टा माने तंकर प्रेरणा टा ही कलाम को महान बने थिला। नंबर 14 होची व्हाट डिड ही इनवाइट कलाम फॉर व्हाट डिड ही इनवाइट कलाम फॉर से कलाम को केउथ पई निमंत्रण करथले वान्स ही इनवाइटेड कलाम फॉर ए मील इन हिज हाउस माने साइंस टीचर जनक तम काही के इनवाइट करथले ना तंकर घरे गोटे मील करया माने खाइबा पई मध्याह्न भोजन खाइबा पई हाउ डिड हिज वाइफ रिएक्ट टू इट एथिप्रति पत्नी किभली प्रतिक्रिया प्रकाश करते मैंने साइंस टीचर जो कलाम को इनवाइट करते तो एत्री प्रतिक्रिया कौन थी मैंने से साइंस टीचर स्त्री हिज वाइफ डिसलाइक्ड इट एंड डिनाइड सर्विंग ए मुस्लिम बॉय लाइक कलाम
से ताको अपसम करते से माने कलाम को जेहेतु इनवाइट करते सी हिंदू थे साइंस टीचर जे तो ये जो मुस्लिम थे तो आंकु ये आंकु खाद्य दबापाई से माने घृणा भाव देखाउथिले माने इच्छा प्रकाश करनथला भल लागुनथला जेहेतु से हिंदू थे मुस्लिम को माने गोटे अछूत जाति से टाइप भावुले व्हाट चेंज्ड हर आटीट्यूड माने मनोवृत्ति परिवर्तन कौन कौ जिनसा मनोवृत्ति परिवर्तन आनता व्हेन द टीचर हिमसेल्फ सॉल्वड कलाम हिज वाइफ वाज वाचिंग बिहाइंड द किचन डोर माने टीचर निजे सॉल्व कले कलाम को निजे खाद्य बाढ़ दे तो से स्त्री कौन करते किचन रूम रे डोर पाखे ढाई की सब देखुले बट कलाम्स बिहेवियर वे ऑफ टॉकिंग द मीट मिल एंड क्लीनिंग द फ्लोर चेंज्ड हर आटीट्यूड माने कलाम कर बिहेवियर व्यवहार कथा कहार शैली वे ऑफ टेकिंग द मिल सॉरी कथा कहार नुह माने खाद्य खाइबार शैली एंड क्लीनिंग द फ्लोर चेंज्ड जो फ्लोर को पूरा क्लीन कले से जिनसटा माइंड को पूरा चेंज कर दिला माने साइंस टीचर जो वाइफ थे माइंड को चेंज कर देता हाउ डिड सी बिहेव हिम लैटर तापर से कौ भाई भाव व्यवहार देखते व्वेन द टीचर इनवाइटेड कलाम नेक्स्ट टाइम सी वेलकम्ड हिम एंड सर्वड हिम फुड हरसेल्फ जितेबाला टीचर तंको पुणी नेक्स्ट टाइम जो इनवाइट करते से स्त्री निजे खाद्य बाढ़ की देते नंबर 18 अच्छी हु डज ही इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ पारा थ्री रिफर टू माने थर्ड पारा थ्री थर्ड सेंटेंस जो ही वर्डटा अच्छी से हिटा क्या प्रजोज्य ही इन द सेंटेंस ऑफ पारा थ्री रिफर्स टू शिव सुब्रमण्य अय्यर कलाम साइंस टीचर नंबर 19 अच्छी द फोर्थ पाराग्राफ इज अबाउट हिज डैश फोर्थ पाराग्राफ्टा कौ विषय एलिमेंटरी एजुकेशन ना सेकेंडरी एजुकेशन ना हायर एजुकेशन ना फैमिली सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन तार आंसर हम सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन नंबर 20 रे अच्छी कौन वाज ही गुड एट स्टडीज एट द हाई स्कूल रीड आउट द सेंटेंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर माने एठी कौन अच्छी जे से उच्च विद्यालय पाठ पढ़ा पारदर्शी थिले कि तुम उत्तर समर्थन गोटे वाक्य गोटे लिखे माने निज ओन माने ओन थॉट रे निज चिंताधारा को लेकिन विषय पढ़ला जहाँ निज माइंड रे आसीबो सेटा को लेकिन ही आंसर लिखा जीव तो ये कौन हम येस इन द लाइन बट वाज कन्सीडर्ड ए ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सो दैट ही वाज गुड एट स्टडीज एट द हाई स्कूल सो यही पार्ट्रे आम नंबर 20 पर्यंत ही डिस्कशन करवा नेक्स्ट पार्ट्रे 21 रु आम लास्ट पर्यंत डिस्कशन करवा तो से पर्यंत आम चैनल सह जोड़ी रुंतु भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु धन्यवाद।